मेरे प्यारे दोस्त, ये ज़िंदगी आखिरी बार मिली है और इसके बाद कोई ज़िंदगी है नहीं आपकी। आपके पास जो भी है वो केवल एक बार है। आप ये मत सोचना कि रोज़ नया दिन आता है, रोज़ नया सवेरा होता है, ये आप मत कभी सोचना, क्योंकि जो रोज़ नया दिन आता है वो बदल जाता है। आज जो दिन था वो कल कभी नहीं हो सकता, आज जो समय है आपके पास वो कल कभी नहीं मिल सकता। इसलिए जो भी काम करो उसको ऐसा करो कि ये मेरा पहला और आखिरी काम है, इसको मुझे बहुत अच्छे से करना है, अपना 100% इसमें लगाना है ताकि मैं इसमें सफल हो पाऊँ। आप ये मत भटकना कि चलो इसमें नहीं हुआ तो उसमें हो जाएगा, उसमें नहीं हुआ तो उसमें हो जाएगा, ऐसा कभी मत सोचना। सरकारी नौकरी की तैयारी करने वाले बच्चे के मन में सबसे बड़ी जो गलतफहमी होती है वो यही होती है कि चलो इसमें नहीं हुआ तो उसमें होगा, उसमें नहीं हुआ तो उसमें होगा, इस साल नहीं हुआ तो अगले साल होगा। मेरे दोस्त, अगले साल का मतलब समझ रहे हो? आप 100 साल जियोगे और आप 100 साल में 20-30 साल अपनी पढ़ाई में बिता दोगे और उसके बाद आपके पास 70 साल बचेंगे जीने के लिए। उन 70 सालों में अगर आप 1 साल 2 साल एक्स्ट्रा इधर उधर करोगे तो सोचो आप जियोगे कब, अपने माँ बाप के लिए करोगे कब, अपना घर बनाओगे कब, अपनी गाड़ी खरीदोगे कब। जिन लोगों को आप टीवी पे देखते हो, जिन लोगों को आप रियल में देखते हो, महंगी गाड़ियाँ, अच्छे कपड़े पहनकर, अच्छा अफसर बनकर, साथ में 2 पुलिस गार्ड, लाल बत्ती वाली गाड़ी, कंधे पे 4 स्टार लेकर, ये सब देखते हो, ये सब फील करते हो, ये सब आपको भी मिल सकता है। लेकिन इसके लिए वो काम पहली बार और आखिरी बार अपना 100% देने के बाद करना पड़ता है। आप आने वाला जो भी परीक्षा है आपके जीवन में, चाहे वो DRDO MTS हो, रेलवे NTPC हो, SSC MTS हो, कोई भी परीक्षा हो, आप उसको अपना 100% देंगे, पर ये सोच के देंगे कि ये परीक्षा मेरे जीवन की आखिरी परीक्षा होगी। जिस तरीके से मिल्खा सिंह पाकिस्तान के विरुद्ध जब दौड़ में जाते हैं तो क्या कहते हैं कि ये मेरे रेस आखिरी है और मैं इसको दौड़ूंगा भी वैसे ही, उसी तरीके से आप भी अपनी परीक्षा को इस तरीके से देना कि ये आपकी आखिरी परीक्षा है। अक्सर आप जब परीक्षा में बैठते हैं ना तो आपके मन में क्या होता है, जब क्वेश्चन नहीं बनता तो यही सोचते हो चलो छोड़ो इसमें तो नहीं होगा, आप वहाँ बैठ के ही डिसाइड कर लेते हो। और यहाँ तक कि परीक्षा से पहले ही आप डिसाइड कर लेते हो कि चलो छोड़ो इसमें तो नहीं होगा, लेकिन दे देंगे, देखा जाएगा। देखा क्या जाएगा? आपका सिलेक्शन नहीं होगा, आपका समय बर्बाद होगा, आपको समय का वैल्यू अभी नहीं पता है, आगे चल के आप करोड़ों अरबों रुपए खर्च करने को तैयार हो जाओगे इस समय के लिए। उस कैंसर अस्पताल में चले जाना जहाँ पे लोग मर रहे हैं और वो सोचते हैं कि लोग कितने अच्छे हैं जिनके पास वो बीमारी नहीं है, लोग कितने अच्छे हैं जिनके पास बहुत सारा समय है। जिस व्यक्ति को ये बोल दिया जाता है कि आपके पास 3 महीने हैं, 2 महीने, सोचिए उसके मन पे क्या गुजरता होगा, वो क्या क्या सोचता होगा करने के लिए कि हे भगवान मुझे बहुत सारा समय दे दो, मैं बहुत सारी चीज़ करना चाहता हूँ। और वहीं हम लोग, हमारे पास ऑलरेडी इतना सारा समय है लेकिन कभी उस चीज़ को देखते नहीं है। सिर्फ हम क्या देखते हैं? जो हमें दिखाया जाता है। ये दुनिया भटकाने के लिए बनी है, आपको अपना रास्ता खुद बनाना पड़ेगा मेरे दोस्त, पढ़ना पड़ेगा। 8 घंटे 10 घंटे 12 घंटे जितना हो सके उतना कोशिश करो। अरे शुरुआत तो करो, हो सकता है पहले दिन 1 घंटा पढ़ो, दूसरे दिन 2 घंटा पढ़ो, तीसरे दिन फिर से 1 घंटा पढ़ो, लेकिन कोशिश तो करो। मरने से कुछ नहीं होता, मरना तो सबको है, लेकिन रोज़ लगातार वही काम करना इससे कुछ होता है। अगर आप रोज़ एक ही काम को बार बार करोगे तो एक दिन उसमें एक्सपर्ट ज़रूर बनोगे। तो आप पढ़िए ज़रूर, आपकी सरकारी नौकरी अवश्य लगेगी। जय हिंद।